ओम अज्ञानतिमिरांगस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणां भरासि, हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै, हे भक्ति युग्म सुमति रघुनाथ दास, श्री मम गुरु तमन नमति हृदयांतरा। मैं सबसे पहले अस्मदीय गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति को स्वयं महाराज को चरण कमलों में अनंत गुरु साक्षात गंगवान परिवार को तत्पश्चात अस्मदीय शिखा गुरुपाद पद्म परिपराज का आचार्य सिद्धांत स्वामी वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज चरण कमलों में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ। उपस्थित गणितपादगण एवं माता पिता के चरण में यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हमारे परम सौभाग्य का दिन है, श्रील महाराज जी आज सरल गोस्वामी के अन्यतम श्रील गोपाल मंडल गोस्वामी का जीवन चरित्र गोबर में कुछ उनको शिक्षा एवं उनका भजन आदर्श के विषय में कुछ बदलाने के लिए आदेश दिए। लेकिन नदेव भक्तों का महिमा समझना बहुत कठिन है। वैष्णव चिन्हित नारे देवे सकत, वैष्णवों को क्रिया को देवता लोग भी वैष्णव का क्रिया मुद्रा को नहीं समझ पाते। लेकिन गुरु वैष्णव का अनुगत्य में अगर कोई उनका तिब्बत दृष्टि को द्वारा अगर कोई वैष्णव का चरित्र को देखे तो तभी कुछ उनको चरित्र की स्पर्श करने की सौभाग्य होता। अभी श्रील हमारे माधव महाराज जी उनको तिब्बत चरित्र को पर बड़ी सुंदर विवेचना की। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी हुए गुण मंजरी है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए, जब सार्वभौम भट्टाचार्य को शास्त्र को शास्त्रार्थ हुए, पहले तो हुए राय रामानंद को महिमा को नहीं समझते थे, भक्तों को तो हंसी उड़ाया करते थे। लेकिन जब महाप्रभु का संग से हुए भक्त जब उनको परास्त किए, परास्त करने के बाद जब भक्ति की महिमा को उनको पता चली, तब श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य समझे ये राय रामानंद कितने रसी और कितने बड़े गंभीर रस समुद्र अवगाहन कर रहे, तभी उनको पता चली राय रामानंद की महिमा। इसलिए महाप्रभु जब जा रहे थे दक्षिण, तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा महाप्रभु भी रसिक है, महाप्रभु की महिमा को समझे। उन्होंने बताए आप दक्षिण यात्रा कर रहे हैं, जरूर आप राय रामानंद से मिलना। महाप्रभु को था ये, लेकिन महाराज जी बताए उनको जो मुख्य उद्देश्य था वो भी था, और मुख्य उद्देश्य है उनको जो अपना भक्त है श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रील प्रबोधानंद सरस्वती, वे अभी श्री संप्रदाय में हैं। लेकिन अभी महाप्रभु अपना परिकरों को लेकर के जब तक उनको परिकर को नहीं लेते हैं तब तक उनको लीला की पुष्टि नहीं होता है। इसलिए जद्यपि महाप्रभु दक्षिण यात्रा करने का बहुत कुछ कारण है और अपना भक्तों को फिर अपना चरण में लाना भी ये भी उद्देश्य है। श्रीमद महाप्रभु जब कावेरी नदी में स्नान करके श्री रंग जी मंदिर में रंगनाथ जी का मंदिर में जब महाप्रभु नृत्य कीर्तन की, 26 साल महाप्रभु उम्र 26 साल के ही, उनका रंग कैसे है कच्चा हल्दी जैसे, राधा जी का अंगकांति भाव को लेकर के आए, जब उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए जब उन्होंने नृत्य कीर्तन किए, उनका नृत्य दर्शन करके तो सारे लोग वहां पर एकत्रित हो गए, वहां पर एकदम प्रचार हो गया कहां से एक नया सन्यासी आया है, क्या दिव्य रूप है, क्या दिव्य छटा है। जब कीर्तन करते हैं मानो उनको आंखों से गंगा यमुना की धार छरी लग जाती है। महाप्रभु का नृत्य कीर्तन देख करके सब लोग चकाचंद हो। वहां पर श्री वेंकट भट्ट भी उपस्थित थे। महाप्रभु तो जानते हैं कहां जाना क्या नहीं करना, तो सब उनको पता है, और उन्होंने
वेंकट भाग वो गृहस्थ है महापुरुष सन्यासी है। इनको पता है सन्यासी लोग भिक्षा ग्रहण करते ही है। जब महाप्रभु का निरंतर कीर्तन दर्शन किए सन्यास का अद्भुत तेज और उनका शरीर में स्वेद कंप असुर वैवर्ण जब अष्ट साधन विकार दर्शन किए देख करके तो अभी तक सुने थे लेकिन जब साक्षात दर्शन किए वाह क्या सन्यास है। तो महाप्रभु को निवेदन किए कृपा करके हमारे घर में आप महाप्रभु तो उद्देश्य आई उनके घर में जाना है इसलिए महाप्रभु ने स्वीकार की स्वीकार करके महाप्रभु उनके घर में पधारे और महाप्रभु का मत कथा मद कथा चिंता बधयन्ति परस्परं कथयन्ति माम नित्यं तुष्यन्ति चरम। ये तो महाप्रभु का ये तो भक्तों का लक्षण है और महाप्रभु अभी स्वयं राधा भाव के लेकर आए हैं इसलिए महाप्रभु वहां पर जाते ही हरि कथा की झड़ी लगा दी और आपस आपस में बड़े सुंदर उनको भगवत चर्चा होने लगी। बताते महाप्रभु चाहते हैं यहाँ पर श्री प्रबोधानंद मेरे भक्त है गोपाल भट्ट गुणमंजरी है और ये सारे मेरे भक्त है लेकिन अभी ये श्री संप्रदाय है लेकिन अभी उनको अपना चरण में आकर्षण करना और राधा कृष्ण का प्रेम रस की मकरंद का भी पान कराना है इसलिए महाप्रभु हरिकथा छेड़ते छेड़ते महाप्रभु बीच में प्रश्न कर दिए। जब ये जैसे महाराज बता रहे थे उन्होंने कहा भैया हमारा कन्हैया तो वृंदावन में ग्वाला है गया चरा था बन बने लेकिन आपको तो लक्ष्मी तो वैकुंठ राधेश्वरी है राज लक्ष्मी है लेकिन मैंने क्या सुना है तुम्हारा जो लक्ष्मी हमारे जो ग्वाला बन बने में जो गया चरा थे उनके कृष्ण कन्हैया इनको पाने के लिए उन्होंने क्या कठोर तपस्या की है ऐसे क्यों तुम्हारा राज लक्ष्मी अगर वैकुंठ राधेश्वरी है वो क्यों चाहती है। तो उन्होंने कहा भैया ये कहां से आपको मिला है श्रीमद भागवत में है कहते भागवत मैंने भी पढ़ा है लेकिन भागवत में मेरे को तो कहीं नहीं मिला यहाँ पर बहुत बड़ी शिक्षा है कहते चाहो भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण चैतन्य भक्त तुम नित्य कर संग तबे तो बुझी बनी सिद्धांत कर जब तक वो भी भागवत पढ़ेंगे वो लोग भी श्री संप्रदाय लोग जिस लोगों को हम कृष्ण को हम परतत्व में लगाते हैं वे लोग अभी उसी श्लोक को ऊपर में नारायण के परतत्व को स्थापन करते हैं वे लोग भी बड़े विद्वान हैं लेकिन वे भागवत पढ़ने पर भी लेकिन कृष्ण का जो सर्वतमता रहा था कृष्ण प्रेम रस की जो सर्वतमता उनको पता नहीं चला था क्यों कारण यह था उन्होंने कोई चाहो भागवत पढ़ो वैष्णव स्थान और वैष्णव कौन सा वैष्णव होनी चाहिए कहते जिन्होंने चैतन्य चरण को जिन्होंने सर्वस्व किया जिन्होंने श्रीमन महाप्रभु के चरणों को जिन्होंने आश्रय दिया है। जब तक ऐसे भक्तों को जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है जैसे हमारे जीव गोस्वामी है सनातन गोस्वामी है रूपो गोस्वामी है जब ऐसे संतों के चरण में भागवत ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे तब तक भागवत जो पूर्ण रसमय ग्रंथ है उनका हर जगह में श्री राधा जी की प्रेम लीला की वैचित्रता वहां पर है गोपियों की प्रेम की सर्वोत्तमता है तब तक नहीं समझ सकते। इसलिए अब तक तो वेंकट भट्ट पढ़े थे लेकिन वो श्लोक नहीं मिला था कहां लक्ष्मी श्री राधा कृष्ण कृष्ण की माधुर्य में आकृष्ट होकर के बेलवन में वो तपस्या कर रही है उनको ये श्लोक मिला इसलिए महाप्रभु बहुत सारे श्लोकों को वहां पर प्रदर्शन दिया जैसे नायम श्रीअंगम नितांतर देह प्रसाद ये श्लोक है जब उद्धव ब्रज में आकर के वो भी प्रेम की सर्वोत्तमता देख करके जहाँ गोपियों की सौभाग्य को बता रहे हैं कहते जो सौभाग्य ये नायम श्रीअंगम नितांतर देह प्रसाद कहते हैं जो श्री लक्ष्मी जो सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर सकी कहते वह सौभाग्य ये गोपियों की प्राप्त हुई। फिर उन्होंने काली पत्नियों ने जो वहां पर जो स्तुति किए हैं आचरण तप जहां पर उन्होंने विहाय आचरण तप जहां पर लक्ष्मी नारायण का पद सेवा छोड़ करके बेलवन में कृष्ण को पाने के लिए उनको रास में प्रवेश करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं महाप्रभु कितने श्लोकों को कोटेशन दिए भागवत का उन्होंने देख करके हो गए भाई मैंने तो भागवत पढ़ा था लेकिन इस श्लोक को मेरा इसको तो साधारण अर्थ उन लोगों ने साधारण अर्थ में लगा दिया था लेकिन श्लोक का जो मुक्त प्रक्रह वृत्ति है वो चीज को तो बताया नहीं था। उस समय जब उन्होंने बोले फिर महाप्रभु ने कृष्ण के अंदर में जो सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल बारी दी
अतुल मधुर जब प्रेम मंडित प्रिय मंडलम त्रिजगत मानसाकर सिद्धलिंग असमानार्थ रूप श्री विश्वापीत चराचरम श्री प्रेमना लीलातीतम माधुर्य वेणुरूपयम इति चतुष्टयम कृष्ण। इसलिए इन जो चार कृष्ण में विशेष गुण है सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारी उनको जो लीला माधुर्य है त्रिजगत मनासकर से मुरली कलकुचित जब कृष्ण बंसी के तान छेड़ते हैं बंसी के ध्वनि में इतने शक्ति है कदरुन धन पुप प्रीत चमत कृत परम कुर्बन मुंस तुम गुरु ध्यान सनातन विश्वापयन वेदसम उनका बंसी के तान इतने शक्ति है शंकर भी आकृष्ट होकर के गोपी बनने की इच्छा करते हैं। इसलिए उनका जो बंसी जो तान है कभी किस लीला में नहीं है और लीला प्रेम न प्रियाधिकम इसलिए उनका लीला माधुर्य प्रेम माधुर्य जब महाप्रभु ने कृष्ण में जो विशेष चार गुण की जब उन्होंने व्याख्या की और महाप्रभु कौन है अभी स्वयं राधा भाव में विभावित है इसलिए महाप्रभु वे जब हरिकथा उनको सुनाएंगे कौन सुना रहे हैं अभी जो स्वयं राधा भाव में विभावित है इसलिए साधारण कोई भक्त कथा सुनाए उसमें इतना ताकत है जैसे महाराज कितने लोग जैसे जाते के देखो ये कहीं पहले सीता और राम को उपास सकते लेकिन महाराज का कथा में आकृष्ट होकर के राधा कृष्ण का प्रेम रसना है और जहाँ महाप्रभु जहाँ राधा भाव पे विभावित होकर के वो सुना रहे समझो वो कथा कितना रसी और श्रोता कौन है गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्रोता कौन है वहां पर हमारे तुंगभद्रा स्वयं जो कृष्ण लीला में तुंगभद्रा है वहां पर जब कृष्ण कथा की मानव वो छेड़ते होंगे कितने रसमयी कितने मधुर और कितने कितने उन्नति की कथा होते होंगी आप लोग इससे कल्पना कर महाप्रभु ऐसे उन्होंने राधा कृष्ण प्रेम उत्कर्षता उन्होंने ऐसे उन्होंने वर्णना की जिसको सुन करके तो देखते रह गए क्या बोल रहे हैं कृष्ण में क्या सौंदर्य क्या माधुर्य है रस का क्या पराकाष्ठा है सुन कर तो एकदम आप्लुत हो गए। फिर उन लोगों ने हमारे महा गौड़ीय संप्रदाय में राधा कृष्ण की जुगल उपासना में आए उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी का केवल उम्र था 11 साल है। गोपाल भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु ने उनको पिताजी ने निर्देश दिया था महाप्रभु की सेवा करो इसलिए महापुत्र हर तरह से उनका एक नित्य संपर्क आनंद मंजरी हो है इसलिए गुणा मंजरी है इसलिए उनको साथ में नित्य संपर्क है ही है इसलिए वो कितने प्रेम से सेवा करते होंगे और महाप्रभु जब कथा सुनाते थे वो तो कान की गुणा में भर भर करके वो कथा मृत्यु का पान करते थे। अभी 4 महीना जब खत्म हो गया महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौटने के लिए तैयार हुए उस समय तो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी रहने लगे क्योंकि 4 महीना तक जिन्होंने सुंदर सुंदर कथा सुनी वो कथा जिनका हृदय का सर्वस्व है हृदय का उनको प्राण है अभी महाप्रभु जहाँ कथा सुनाए कथा को छोड़कर कहाँ रह सकते फूट फूट कर रहने लग गए मेरे को भी साथ में ले चलो। महाप्रभु ने कहा नहीं बेटा अभी तुम्हारा पिता माता है अभी घर में रहो जब तक तुम्हारा पिता माता है तब तक रहो। उसको बाद में उन्होंने निर्देश दिया इसको आप लोग अच्छे तरह से पढ़ाओ और इसको विवाह शादी विवाह मत देना उसको बाद में फिर वृंदावन भेज दो। महाराज कभी बताए थे तो महाप्रभु का क्या यही विचार है अभी तुम घर में रहो। महाप्रभु बोल रहे पिता माता का सेवा करो पिता माता है जब तक पिता माता तब तक घर में रहो क्या उनको बोलने का यही तात्पर्य था जहाँ महाप्रभु का संग्रह है जहाँ सब कुछ घर बार छोड़ करके महाप्रभु के साथ में जाना चाहते हैं क्या महाप्रभु का यही उपदेश है अभी घर में रहो। कहते नहीं महाप्रभु का एक महान उपदेश था एक में तो जीवन में वैष्णव संग्रह ही मूल है किंतु वहां पर वेंकट घाट भी है वहां पर प्रबोधानंद सरस्वती भी है इसलिए जो तुम विद्या है और महाप्रभु ने देखा ऐसे वैष्णव है और महाप्रभु एक एक भक्तों के द्वारा उनको एक एक काम करवाना था इनको द्वारा भविष्य में हमारे वैष्णव का जो सदाचार है जो रामानुज संप्रदाय में ये बहुत अच्छे तरह से वो वैदिक भक्ति की उपासना होने का नाते भगवान का जो सदाचार ऊपर में बड़े उनको सुंदर विवेचनाएं हैं। महाप्रभु का उद्देश्य था भविष्य में हमारे गौड़ीय संप्रदाय में भी बाद में जो हरिभक्ति विलास जो ग्रंथ है बाद में इनको द्वारा वो ग्रंथ भी करवाना था और वहां पर वैष्णव संघ भी है वहां पर तो वैष्णव का संघ हरिकथा सुनेगा और उनको भी लिखा पढ़ा सीखना है वाचिक रूप में इसलिए महाप्रभु ने कहा बेटा अभी रहो लिखा पढ़ा अच्छे तरह से सीखो बाद फिर आ जाना। इसलिए उन्होंने महाप्रभु आदेश पालन करते हुए इच्छा तो महाप्रभु के साथ में जाए लेकिन महाप्रभु का आदेश पालन करते हुए रहे
जब महाप्रभु जगन्नाथपुर में आए, रूप सनातन को बोले, देखो एक कुमार घटक गोस्वामी नामक कुपाघट नामक एक बच्चा आने वाले हैं, अगर जब आए अपना छोटे भैया रूप में उनको स्नेह करना। अब महाप्रभु अभी जगन्नाथपुरी में, महाप्रभु कथा प्रसंग में भी वहां पर भक्तों को कभी सुनाया करते थे। मैंने जब दक्षिण में गया था वहां पर गोपाल भट्ट नामक एक छोटा सा लड़का कितने मेरी सेवा की, महाप्रभु करके उसका महिमा बोलते थे। इसलिए जब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पिता माता अंतर ध्यान होने के बाद जब आए हुए उत्तर प्रदेश में आते हुए, जब वे गंडकी नदी देख करके आए, उसी समय उनको 12 वर्ष सालग्राम मिला था। अभी वो सालग्राम सब नारायण स्वरूप नहीं होता है, सालग्राम में भी तरह तरह का स्वरूप, वहां पर गिरधारी नृसिंह तरह तरह का, वहां पर भी उनको सालग्राम में क्वालिटी होता है। अभी गोपाल भट्ट गोस्वामी सालग्राम को बड़े प्रेम से उनको सेवा करते थे, आप कभी आंखों को ऊपर में रखते थे, कभी हृदय में रखते थे, उनको कभी आंखों का आंसुओं से कभी स्नान कराते थे, बड़े प्रेम से उनको सेवा करते थे। अभी गोपाल ये हमारे राधारमण प्रकट गांव, वहां पर दो कारण सुनने को मिलता है। एक कारण तो कोई सेठ आकर के श्रावण महीना में बाबा लोग झूला में ठाकुर को झूलाएंगे, वहां पर कुछ अलंकार और कुछ कपड़ा लता देकर गए, तथा आप लोग ठाकुर को धारण करा के झूला पर झूलाएंगे। अभी गोपाल भट्ट गोस्वामी तो सालग्राम में है, अभी तो राधा गोविंद के झूला में झूलाया करते हैं, लेकिन सालग्राम को तो झूलाते नहीं। इनके मन में यह इच्छा हुई, और मेरे पास में अगर राधा गोविंद होते तो हम भी ठाकुर को झूला पर बैठा करके हम भी झूलाते, जब उनके पास में कपड़ा लता और कुछ अलंकार आदि आए। इसलिए भक्त भगवान भक्तों का इच्छा पूरी करते हैं, तब उन्होंने स्वप्न दिया, मेरे स्वरूप दर्शन करने का तुम्हारा इच्छा है, ठीक है कोई बात नहीं, सवेरे आकर के देखना, मैं स्वयं राधा रमन रूप में प्रकट हो जाऊंगा। इसलिए सवेरे उन्होंने आकर के देखा राधा रमन स्वरूप, ये कारण है। दूसरा कारण बताते हैं कि जिस समय श्रीमन महाप्रभु अंतर ध्यान मिला थी, केवल गोपाल भट्ट गोस्वामी को साथ में महाप्रभु को केवल 4 महीना, जब उनको 11 साल था तभी महाप्रभु के साथ उनको संपर्क मिला। जब वे जगत वृंदावन में आए, महाप्रभु प्रसाद रूप में पीढ़ा और बहिर्वास और कौमिल भी प्रसाद रूप में उनको भेजे थे। जब महाप्रभु अंतर ध्यान मिला कि गोपाल भट्ट गोस्वामी का हृदय में महाप्रभु का दर्शन करने का हृदय में उत्कट लालसा जगी थी, महाप्रभु के साथ में मेरा उस साक्षात्कार हुई नहीं और होगा नहीं महाप्रभु के साथ में, तब उन्होंने महाप्रभु का विरह में अत्यधिक उनके हृदय में जैसे विरह का विरहाग्नि जल उठी, मैं कैसे महाप्रभु मिलू, कैसे महाप्रभु मिलू, जब उनके हृदय में विरहाग्नि की प्रज्वलित हुई, उसी समय स्वयं राधा रमन हमारा स्वयं सालग्राम, स्वयं उन्होंने ये राधा रमन रूप में उनको दर्शन देने के लिए उनको स्वयं राधा रमन रूप में प्रकट हो गए, प्रकट होकर उनको दर्शन दिया। इसलिए ये जो राधा रमन है, जब गोस्वामी लोगों ने आए आ करके जब उन्होंने सुना जे सालग्राम से भगवान प्रकट हुए हैं, सारे गोस्वामी लोग वहां पर एकत्रित हुए, एकत्रित होकर के देखा ये तो स्वयं प्रकट है, विग्रह में इतने स्वरूप, जैसे महाराज बता रहे थे उनको शास्त्र में जो स्वरूप मिलता है 3 जगह में खड़े हैं, उनका बक्ष स्थल कैसे, उनका ललाट कैसे, उनका चरण कैसे, उनका हस्त कैसे, और ऐसे विग्रह उनको 2 दांत में निकला हुआ है, वो हंसता हुआ हम लोग उनको दिखाई पड़ता है, उनको 2 दांत भी निकली हुई है, वो हंस रहे हैं ठाकुर जी। इसलिए एक स्वरूप में मानो गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, जिसको श्री बज्रनाभ ने प्रकट किए थे, जो 3 विग्रहों को मानो स्वयं 3 विग्रह ही ये राधा रमन रूप में साक्षात प्रकट हो गए। इसलिए गोस्वामी लोगों ने जब आए तब इनका नाम भी उन लोगों ने क्या रखा, राधा रमन, मतलब ये उनको विरह से महाप्रभु स्वयं ये राधा रमन रूप में उनको दर्शन दिए थे, मतलब एक स्वरूप में राधा कृष्ण है, जैसे महाप्रभु राधा, ये महाप्रभु अंतर कृष्ण बहिर गौरव, अंदर में कृष्ण बाहर में हुए गौर रूप धारण किए, ऐसे ही मानो ये राधा रमन महाप्रभु का अभिन्न स्वरूप, इसलिए उनका नाम रखा भी राधा रमन है, मतलब एक स्वरूप में दोनों रसराज और महाभाव का स्वरूप में मान के राधा रमन विग्रह है। इसलिए गोस्वामी ने इनका नाम रखा श्री राधा रमन, उनका नाम रखा है।
अभी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको उन्होंने महाप्रभु का निर्देश था, इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सोचा महाप्रभु का निर्देश था वैष्णव सदाचार को प्रकट करने के लिए। आप लोगों ने सुना गोपाल जी का थे महाप्रभु जी के साथ में चार महीने थे, कुछ दिन के पश्चात उनसे बोले होंगे जैसे गोपाल मंत्र करना और काम गायत्री करना चाहिए, बोले होंगे कि हम साल से जरूर कहेंगे। और जब डोर कॉपी इत्यादि भेजा तो मतलब क्या वो भी वे शब्द के लिए जितने छह गोस्वामी हैं विशेष करके श्री रूप श्री सनातन गोपाल भट्ट रघुनाथ भट्ट और सरनाथ दास गोपाल रघुनाथ दास रघुनाथ दास भी ये पांच महाप्रभु स्वप्न गुरु मान जी गोस्वामी रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी भी रूप गोस्वामी को लेते हैं। कभी महाप्रभु जी ने इनको सब किया भागवत परंपरा में समझो या जिसको किंतु ये सब दिए होंगे जरूर किए होंगे तभी प्रेरणा दे करके ये सब। इसके बाद में ओ कैन यू स्पीक समथिंग व्हाट दे आफ्टर व्हाट मीन यू यू सर यू नो हिंदी सम व्हाट सो यू कैन टेल व्हाट दे हैव टोल्ड and what you have heard. Why not? Try, stand up and try. Can you tell what they have told? In brief? Yes. Stand up. सन्यासी का नाम ही सरस्वती, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती सन्यास नहीं जब लिया था जबकि अभी पढ़ ही रहे थे संस्कृत ज्योतिष पढ़ रहे तो उन लोगों ने इनको सरस्वती पाठ विमलानंद सरस्वती ये मालूम होता है ये सन्यास का नाम किंतु सन्यास का नाम किंतु पीछे से उन्होंने उसी नाम को भक्ति सिद्धांत सरस्वती रख ऐसे उनके साथ में पहले ऐसा ही था बहुत विद्वान आदमी थे ना इसलिए उनको सरस्वती उपाधि मिली उनके संप्रदाय की ओर से। आज अभी रात हो गई बोलना तो बहुत कुछ है और संसार क्षेत्र में ये समझो ठीक है बहुत कुछ समझो एक चीज रह गया है इनके शिष्य को खेती मिली जीव गोस्वामी की है पढ़े लिखे और जीव गोस्वामी से कहा जी हमको दीक्षा दे उन्होंने कहा गोपाल कहते मुझसे ऐसे ही नहीं कर दिया उनमें था तो कुछ एकदम उनके कुछ सीनियर भी है रूप गोस्वामी इत्यादि के बराबर और ये जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के शिष्य हैं। और दूसरी बात जिनकी भक्ति से एकदम साक्षात प्रकट हो गए हैं गोपाल
लेकिन प्रेम की दृष्टि से भी उन्होंने सर्वथा ठीक किया और अपने हम शिष्य नहीं करेंगे इस भाव को भी निकला। इधर से श्रीनिवास आचार्य जी को शिष्य उन्होंने किया और सब प्रकार से पुष्ट करके जीव गोस्वामी का निर्देश पालन करने के लिए आदेश, और जीव गोस्वामी ने उन लोगों को तीनों को बंगाल में और इधर उधर में भारत के दूसरे भागों में प्रचार कर दिया जिसका उन्होंने ये श्यामानंद प्रभु नरोत्तम ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य प्रधान वही थे। विद्वता की दृष्टि से और सब दृष्टि से उनका काव्य भी वैसे तीनों में से कोई कम नहीं है, कोई कम नहीं है। किंतु एक एक तरफ में जब देखते हैं श्रीनिवास जी का आचार्य नरोत्तम ठाकुर जी उनको अपना एक तरह से भागवत परंपरा में कुछ गुरु के रूप में देखते थे, इसलिए उनके शिष्यों को भी अपने साथ रहने की उन्होंने प्रार्थना की। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम और श्यामानंद भी श्रीनिवास आचार्य को अपने उसी रूप में देखते थे, अपने शिक्षा गुरु के रूप में देखते थे। जब वो भागवत का प्रवचन करते थे तो ऐसा कोई भी नहीं था जो रोने नहीं लगे, भाव में भी खोर ना हो गया नहीं कहां हो रहा थे। जब राष्ट्रीय में ये बहुत लंबी कथा है, तब ये समझो यदि हम भक्त बनना चाहते हैं तो गोपाल भट्ट जी को स्मरण करो, किस प्रकार से बाल्यावस्था से ही महाप्रभु जी की सेवा उनको मिली और फिर महाप्रभु का आदेश पालन करने के लिए गृहस्थ आश्रम में रहे, किंतु विवाह शादी नहीं किया। उनके पिताजी और ये लोग बड़े उच्च कोटि के परम भक्त थे, इसलिए उनको सेवा का के लिए कहा और इसके बाद में निर्देश दिए जब वृंदावन में सनातन के पास, तो उन्होंने ऐसा ही किया और महाप्रभु के प्रति उनका कैसा भाव था इन लोगों ने बदला। हम लोगों का भी बचपन से ऐसा ही भाव यदि भजन करने के लिए इसका। उन्होंने अपने गुरु अर्थात प्रबोधानंद सरस्वती और इसके बाद में महाप्रभु के साथ इस प्रकार का उन्होंने उनकी सेवा, हम लोग भी वैसे ही भाव से रहे और उनके आदर्श पूर्ति करके हम अपना साधन भजन करें तो उनकी कृपा हो। प्रतिदिन उनको प्रणाम करो, श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्री गोपाल भक्त सर्वस्वामी प्रभु इच्छाई ऊंचाई कई चरण बंदन अभिष्ट पूर्ण जितने प्रकार की लालसा है वो सब कुछ गौ प्रमाण गोपाल भट्ट गोस्वामी की।